हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नेटवर्क प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और ये आप देखेंगे पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सॉरी एडिशनल सेटिंग पर जाना है आपको। एडिशनल सेटिंग पर जाते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको इसके ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रीस्टार्ट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है और दोबारा से रीस्टार्ट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। और आपका ये जैसे ही रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं रिस्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।